हमने वीडियो में ऑलमोस्ट सब कुछ दिखाया है, लेकिन Q&A का भी नहीं किया, तो आज मौका है, मार देते हथौड़ा। देखो भाई, आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं। ओके, दैट्स कूल, बट क्वेश्चन क्या आता है? कौन हो तुम? क्या तुम मनुष्य हो? मेरा नाम है सुजीत मंडल, मैं वेस्ट बंगाल हावड़ा में रहता हूँ। हाँ, मैं बंगाली हूँ और मेरे टूथपेस्ट में नमक भी है। अच्छा, Q&A वीडियो है तो आंसर तो रहेगा ही, लेकिन जिन्होंने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है उनके लिए स्पेशली पेंटिंग का वीडियो भी होने वाला है। सो या एज ए आर्ट वीडियो भी तुम इसे देख सकते हो। एंड फनी क्वेश्चंस मैंने भी किया है। मैं नहीं कर रहा आंसर। क्या आपने कभी एक लड़की का स्केच करते वक्त उसके मूंछे ऐड किया है? बहुत, एक्चुअली मैंने ये न्यूज़पेपर पे बहुत किया है। आप इतना गोल मटोल क्यों हो? थोड़ा जिम वगैरह जाया करो। तुम्ही केनो बांग्लाय वीडियो बनाओ ना। स्टार्टिंग मैंने बंगाली से किया था, बंगाली वीडियोस में व्यूज बहुत कम आते थे, तब मुझे लगा था कि हिंदी में वीडियो बनाएंगे तो व्यूज बहुत ज्यादा आएंगे, क्योंकि बंगाली में लिमिटेड ऑडियंस होगा और हिंदी में बनाएंगे तो होल इंडिया से वीडियोस देखेंगे लोग। तो आज एक ट्यूटोरियल की वीडियो लेके फिर से टूटी फूटी हिंदी से मैंने स्टार्ट किया था, एंड बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आते थे, एंड पड़ोसियों से भी लोग बोलते थे, हे बेटे तुझे हिंदी बोलना नहीं आता, कोशिश क्यों करता है? बंगाली है, बंगला वीडियो बना, बढ़िया है। एंड तभी मैंने सोच लिया था कि मैं एक दिन फ्लुएंटली हिंदी बोल के दिखाऊंगा, एंड अभी भी उसका कोशिश कर रहा हूँ। आप कितने इयर्स के थे जब आपने ड्राइंग स्टार्ट किए? मैं 7 साल का था तब। एक्चुअली मैं बचपन से स्टार्ट कर दिया था, मैंने ना एक हाथी का फोटो देख के ड्राइंग कर रहा था, और मम्मी ने देख के ड्राइंग क्लास में लगा दिया, मतलब कि मेरा एक भैया ड्राइंग सिखाते थे उनके पास सीखने लगा। कलर पेंसिल में ज़्यादा ब्लेंड नहीं होते, प्लीज टेल सोल्यूशन। वन सोल्यूशन आई नो इज ब्लेंडिंग विथ व्हाइट, बट आप व्हाइट कलर से नहीं कर सकते ब्लेंड, आपको शेडिंग ही ऐसे करना पड़ेगा जिससे वो कलर मिक्स हो जाए। अगर कोई लड़की कहे कि मैं तुम्हारी जेब बनूंगी लेकिन तुम्हें ड्राइंग छोड़नी पड़ेगी, तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑब्वियसली ड्राइंग को चूज करूंगा मैं। योर फेवरेट आर्टवर्क विच यू हैव मेड? मिस्टर बीस्ट, आपका कितना गर्लफ्रेंड है सही से ही बताना, आर्टिस्ट आप तो होंगे ही, एंड आप ग्रेट आर्टिस्ट हो। अच्छा बता ही देते हैं, नहीं है कोई। Who is your Kiras brother? मैं नहीं बताऊंगा। When last your father and बेटे नहीं हो? चलो ये क्वेश्चन पापा जी से पूछते हैं। तो पापा जी, अभी एक क्वेश्चन आया है कि आपने लास्ट टाइम मुझे कब मारे थे? मैंने नहीं कहा मेरी, ठीक है। How to earn money without doing anything? On an average कितना earn कर लेते हो YouTube से भाई? 300 करोड़। देखो मैं हमेशा गियर अपडेट करते रहता हूँ, बिकॉज मुझे तुम लोगों के लिए बेस्ट क्वालिटी वीडियो अपलोड करना है। मैंने लाइट खरीदा 12,000 का, फिर पिछले महीने मैंने पीसी में अपडेट किया, रैम हार्ड डिस्क ये सब लिया, कुछ 15,000 के आसपास था। भैया नेक्स्ट वीडियो के लिए जो 20,000 का सामान था वो ऑर्डर, अरे सुबह अभी से स्पॉइलर मत दे यार। और इस महीने मैंने टेबल खरीदा है जो कि मैंने भैया ने बना के दिया, ये सेटअप टूर में दिखाएंगे अच्छे से। पार्सल आया, ये नेक्स्ट वीडियो आइडिया के लिए सामान था। तो ऐसे हर वीडियो में छोटा मोटा खर्च करते रहता हूँ, मतलब कि जितना अर्न होता है उतना मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ अपने वीडियोस में। ट्वेल्थ में कितने मार्क्स मिले? हेलो, हाँ मास्टर जी बोलिए। अच्छा अच्छा मैं फर्स्ट आ गया। अच्छा तो उससे मेरा क्या फायदा हुआ मैं फर्स्ट आ गया तो? नहीं नहीं, उससे मेरा क्या फायदा हुआ, पूरे साल फीस मेरे मेरी लाओ, दे दो मेरे को 20-25 लाख रुपए, खुशी मना लेता हूँ तुम्हारे स्कूल में आकर। अभी तक कितने 8 वीडियोस प्रोजेक्ट फेल हुए हैं? 3-4 वीडियो है जो बना के डाला नहीं मैंने। भाई तुम्हारे सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? लगता है तुम्हारे GF का। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई आपके इतने कम सब्सक्राइबर क्यों है? क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। आपकी वर्ड कब आएगी? कितना आए हैं वो भी निकल गया भाई सही में। आपके वीडियोस लेट क्यों आते हैं? मैं यूट्यूब में सबसे ज्यादा एक्टिव था। अच्छा। जैसे लोग डेली नहाते खाते वैसे मेरे रूटीन में डेली वीडियोस डालना भी था। लेकिन भाई आप क्यों नहीं डालता? देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं हर एक वीडियो में कुछ यूनिक चीज, कुछ नया चीज धीरे धीरे इम्प्रूव करता रहता हूँ, और मेरा हर किसी चीज पे परफेक्शन चाहिए होता है। छोटे से छोटे चीज को भी मैं छोड़ता नहीं हूँ, उसे मैं परफेक्ट बनाने के लिए उसमें टाइम देता हूँ। अभी वही परफेक्ट बनाने के चक्कर में मुझे थंबनेल बनाने में 4-5 घंटे लग जाता है। हाउ मेनी हेयर्स डिड यू हैव? What age you started YouTube? मैंने स्टार्ट किया था 14 आई थिंक। हाँ ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट्स द फन मीडियम टू ड्रॉ और कलर?
देखो भाई, जिसको स्केच में मजा आता है ऑब्वियसली उसके लिए स्केच फन रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल से वाटर कलर से ज़्यादा फन किसी चीज़ में हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे आप गीला करके कुछ भी कलर छोड़ देते हो उसका कलर का फ्लो होता है वो सब में अलग मज़ा आता है भाई। मुझे तो वाटर कलर करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। भाई आपके हिसाब से सबसे अच्छा ब्लेंडिंग किस चीज़ पे होता है? मेकअप ब्रश, अंडर पेन कौन सी कंपनी की है एंड कितने के लिए? जानना है भाई, कितने ड्राइंग बना ली आज तक? मैंने यूट्यूब में आने के बाद से 500 वीडियो डाला है और उसमें से 400 ड्राइंग तो बना ही होंगे। एक वीडियो भी डाला था जिसमें 1000 से ज्यादा ड्राइंग दिखाया था मेरा। आपका एग्जैक्ट एड्रेस? शैतान गली, खतरा महल, अंधेर नगर और शमशान के साथ। फ्रॉम व्हेन डिड यू इंटरेस्ट इन ड्राइंग क्रिएटिव थिंग्स? बचपन से यार, मुझे पता नहीं, मैं बचपन में पढ़ाई में बहुत अच्छा था, फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे क्रिएटिव ये सब चीज़ में इंटरेस्ट आने लगा, फिर पढ़ाई में बिगड़ गया। एंड हाँ, मुझे तुम्हारे घर पे क्या बोलते हैं? तो मम्मी जी, पापा जी, मैं यूट्यूब वगैरह करती हूँ तो आपको कैसे लगते? खूब भलो लागे, कारण प्रथम आमी खूब बकाबकी करेछिलाम, मैं यूट्यूब निये पढ़ाशोना खराब होच्छिल। आमी आमार छेलेके सब समय सपोर्ट करेछि। मेरे मम्मी पापा मुझे हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं और मेरे से बहुत ज़्यादा प्राउड है। उनके स्माइल से आपको पता लग रहा होगा, मैं भी इसलिए बहुत खुश हूँ। योर फर्स्ट वीडियो व्यूज़, मुझे फर्स्ट वीडियो पे 40-50 व्यूज़ आए थे एंड फर्स्ट वीडियो वैसे चैनल पे है ही नहीं, वो डिलीट कर दिया मैंने। से समथिंग अबाउट योर YT जर्नी। स्टार्टिंग से ही बहुत मेहनत लगे, लाइक मेरे पास एक मोबाइल था जिसे देख के मैं ड्राइंग बनाता था, उसी ड्राइंग को एज ए रेफरेंस देख के मैं दूसरा ड्राइंग बनाते हुए उसका वीडियो शूट करता था, समझ रहे हो तुम? फिर जियो फोन से देख के ड्राइंग बनाता था, ऐसे करके 300+ ड्राइंग वीडियो मैंने मोबाइल से अपलोड किया है। फिर धीरे धीरे ग्रो होते गए, कैमरा लिया, PC लिया और आप लोग साथ में जुड़ते गए, आप लोगों के बहुत ज़्यादा सपोर्ट आए जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाए। और अभी तो मेहनत कम नहीं हुआ है, अभी मेहनत और डबल हो चुके हैं। और इंटरनेट का प्रॉब्लम तो हमेशा से रहा है मेरे साथ। विलेज एरिया में रहता हूँ तो पहले डेली वीडियो अपलोड करता था, मैंने जैसे बताया, तो कभी कभी ऐसे बारिश हो रहा है रात में, मुझे वीडियो अपलोड करना ही 8 बजे, घर पे इंटरनेट शाम पे चलता नहीं है, तो मैं खेत में जाके छतरी लेके ऐसे मोबाइल से वीडियो अपलोड करता था। तो स्ट्रगल बहुत किया है मैंने, ऑब्वियसली अनन्या पांडे से ज़्यादा नहीं, लेकिन अच्छे से कभी बताएंगे। हु इज योर गर्लफ्रेंड? भाई मैं वीडियो शूट कर रहा था, मेरा 5% हो गया, स्विच ऑफ हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, भाई आपकी शादी कब? हैप्पी मैरिड लाइफ सुभोजित। मुझे बनाना ही नहीं है वीडियो है। That's it, मजा आया? If you enjoy it, तो बताओ फ्यूचर में ऐसे ही Q&A के साथ पेंटिंग वीडियो और चाहिए कि नहीं। By the way, ये सारे क्वेश्चन मैंने इंस्टा से पिक किया था, तो आप भी मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो और बाकी सब्सक्राइब लाइक तो कर ही दोगे ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।